नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप भी पुराने नोट या पुराने सिक्के बेचना चाहते हो? क्या आपके पास में है ये 5 रुपए का नोट, ये ट्रैक्टर वाला नोट आप लोगों के पास है, या फिर आपके पास में भी है ऐसा 10 रुपए वाला नोट, सूर्य मंदिर वाला नोट क्या आपके पास में है? इनके अलावा आप लोग भी रखते होंगे फैंसी नंबर वाले नोट, ये 20 रुपए का फैंसी नंबर, 30, 60, 90 वाला नंबर, या फिर आप लोगों के पास में भी होंगे मेरे भाई स्टार वाले नोट। इनके अलावा 786 कटिंग एरर मिसप्रिंट, या फिर आप लोग भी रखते होंगे रेयर सिक्के, कटिंग सिक्के, मिसप्रिंट सिक्के, या माता वैष्णो देवी वाले सिक्के। अब ये सिक्के आपके कैसे बिकेंगे, कौन खरीदेगा, क्या डिमांड होती है, क्या पैसे जमा करा के हम अपने सिक्के बेच सकते हैं, क्या आपके सिक्के मैं खरीद सकता हूँ, इनके अलावा ऑनलाइन बाइट्स खरीद सकते हैं, या फिर खरीदते तो भाई साहब कौन खरीदते हैं? तो मेरे भाई आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। काफी दिनों बाद मैं आप लोगों को सिक्के नोटों के बारे में बहुत चीजें बताने वाला हूं जिनकी आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आप लोगों ने भी सिक्के नोट बेचने की कोशिश की है तो मेरे भाई प्लीज वीडियो अंत तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और मेरे भाई यहां तक वीडियो देख लिया तो अभी जो लाल अक्षर का जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखा दे रहा मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता रहे और भी आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लाते रहे। इनके अलावा जो चीजें आज हम बात करने वाले हैं, आप लोगों के सिक्के नोट खूब सारे कहते हैं भाई पैसे दे के मैंने सिक्के बेचे हैं, या फिर जो भी बाहर से कॉन्टेक्ट करता हूं वो रजिस्ट्रेशन, RBI, बैंक लेटर, इन सबकी पैसे मांगता है। अगर नोट बेचने जाए ना तो नोट से बदले में भाई पैसे जमा कराओ। क्या सच है इन चीजों की? क्या कोई हमारा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे सिक्के या नोट लेने आएगा, या फिर कहां पे अपने सिक्के या नोट बेचेंगे? मेरे भाई खूब सारे लोग जो कह रहे हैं रोहित भाई आपसे बात करनी, तो आपको जल्द मेरे नंबर मिलेंगे, जल्द मेरे मोबाइल से नंबर मिलेंगे, लेकिन एक बात नोटिस कर लेना, मैं सिक्के नहीं खरीदूंगा, मैं सिक्के नहीं खरीदूंगा, हाल फिलहाल में तो नहीं खरीदूंगा। मेरे से जानकारी चाह सकते हो, बात कर सकते हो, वो चीजें आप लोग ले सकते हो। अब जो आप लोगों को मैं बताने आया हूं, तो मेरे भाई आप लोगों ने सिक्के कलेक्ट कर लिए, नोट कलेक्ट कर लिए, बिक नहीं रहा, आप लोग भी हताश हो, कहां बिकेगा, ये चीजें आप लोगों को खुद को ढूंढना पड़ेगी। आपको मैं बताऊंगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने खूब कहा है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज मत दो, हाल फिलहाल में लोग दे रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग ये रजिस्ट्रेशन चार्ज RBI अप्रूवल लेटर के पैसे दे रहे हैं, भाई क्यों दे रहे हो, इस चीज का मुझे बताना। इनके अलावा मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या फिर किसी भी सोशल साइट पे आप लोग नोट या सिक्कों का एड देखते हो, उसके अंदर मोबाइल नंबर देखते हो। हाल फिलहाल एक चीज चल रही है, दुर्गा पूजा पे सिक्के चाहिए, भाई किसी को नहीं चाहिए ना, क्या करेंगे वो सिक्के लेके। तो आप लोगों को ध्यान देना है, खूब सारे एड, किसी भी तरीके का एड रन करवाया जा सकता है। अगर आप लोग सिक्के या नोट बेचने के नाम पे एक रुपया अगर किसी से डिमांड की जा रही है, मान लो आपने नोट बेचने की बात हुई, चाहे रेयर नोट हो चाहे कॉमन नोट हो, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने नोट बेचने की बात की है, नोट लेने वाला आपसे 1 रुपए की डिमांड कर रहा है, 1 पैसे की डिमांड कर रहा है, तो समझ लो भाई वो स्कैमर से फ्रॉड है, उनसे आपको बचना, उनके जासे में नहीं आना। अब आप लोग सिक्के नोट, ये तो हो गई नहीं बिकने की कहानी, आप लोग बेच कहां पे सकते हो भाई, आप ढूंढिएगा, किसी ऑनलाइन बायर से कांटेक्ट करते हो तो जो बंदा रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेता हो, आपके घर पे आता हो, होम डिलीवरी सिक्का लेने आता हो, और सिक्के के बदले में हैंड टू हैंड, इस हाथ दो उस हाथ लो, अगर ऐसा सिस्टम कोई बंदा बता रहा है तो कांटेक्ट कीजिए। इनके अलावा हर एक शहर के अंदर समय समय पे कॉइंस एग्जीबिशंस, मुद्रा उत्सव होते रहते हैं, सिक्कों के मेले लगते रहते हैं, भाई साहब वहां पे जाइए, बेझिझक आपका अपना जो सिक्का नोट है वो लेके जाइएगा, आपका सेल हो जाएगा। अगर रेयर सिक्का होगा, रेयर नोट होगा,
कॉमन सिक्के कॉमन नोट नहीं बिकेंगे, इसकी जानकारी आप मेरे नंबर जैसे मैं दूंगा उसके बाद में ले सकते हो, या फिर आपके पास में गाइड बुक होगी, सिक्कों की गाइड बुक होगी। एग्जीबिशंस का जो रास्ता है ना सबसे बेटर है, इनके अलावा ज्यादातर लोग फ्रॉड स्कैम करने वाले ही मिलते हैं। आप लोग क्या करते हो, कमेंट में नंबर घुसेड़ देते हो, नंबर घुसेड़ देते हो भाई, मत घुसेड़ा करो, नंबर डालते हो, स्कैमर्स नंबर उठाते हैं और आपके सिक्के लेने की बात करते हैं, आप लोग फ्रॉड हो जाते हो। तो आपको स्कैम से बचना है, ठीक है ना, स्कैम से बचना है। इनके अलावा एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, जो ऑनलाइन गेमिंग का जमाना चल रहा है, डिजिटल जमाने के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे लूटने वाले खूब है, जिंदगियां बर्बाद होती हुई देखिए। तो प्लीज जो भी साथी ऑनलाइन गेम खेलता है विश्वास मत कीजिए, करोड़ों के लालच में मत आइए, वो भी वैसा ही लालच दिखाते हैं। सिक्के लेने वाले आपको लाखों या करोड़ों का लालच दिखाएंगे, कुछ पैसे लेके गायब हो जाएंगे। वही गेम वालों का सिस्टम है, वो लोग भी क्या करते हैं ऑनलाइन गेम के अंदर दिखाते हैं, ये पैसा मेरे पास इतनी सोना सोरत आ गई, गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, लेकिन वही चीज है कि आप लॉस कवर करने के चक्कर में कवर करते 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 स्कैम के दलदल में, यानी आप पैसों की बर्बादी कर देते हो। तो ऑनलाइन गेमिंग से भी बचना है, ठीक है। इनके अलावा किसी के साथ में स्कैम हो गया नोट या सिक्के बेचने के नाम पे, तो आप लोग बेझिझक होकर शिकायत दर्ज करवाइए, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में शिकायत दर्ज करवाइए, ताकि और लोग बच ले। आपकी एक शिकायत पता नहीं कितनों की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं मेरे भाई खूब सारे लोग सिक्के, मान लो आपके साथ में 2000 का स्कैम हो गया, आपने शिकायत नहीं की, यार 2000 वाले में कौन लफड़ा पालेगा, तो भाई आप लोग ये मत सोचो वो 2000 करके कितने लोगों को लूट रहा होगा। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, स्कैम जहाँ भी हो रहा ना आप शिकायत कीजिए 1930-155-260। यार सरकार ने गवर्नमेंट ने पता नहीं कितनी चीजें आप लोगों के लिए ला दी है, यानी चक्सु ऐप के ऊपर आप शिकायत कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आप लोग इन चीजों के ऊपर डिफेंड करना है, और सिक्के नोट जो भी है ना भाई, एग्जीबिशन चले जाना, या फिर सिक्के नोट बेचने के लिए नहीं, आप लोग कलेक्ट कीजिए। अगर मान लो आपने 5 साल ही कलेक्ट कर लिया ना, तो आपका जो कलेक्शन होगा वो हो सकता है कितने रुपए का, लाखों रुपए में चले जाए। वो नोट पहचानिए जो एंटिक हो, या फिर मान लो जैसे मैंने ये स्टार वाला नोट अपने कलेक्शन में लिया, सोचना 50 रुपए का नोट है, तो ये मेरे पास में ऐसे 20 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, इस हिसाब से भी कलेक्शन किया जाता है। देखो 50, 20, 10, 5 वाला, 5 वाला, 10 वाला, 5 वाला या फिर 2 वाला, सब प्रकार के नोट आपको कलेक्ट करना है, ताकि आप लोगों का जो कलेक्शन है और मस्त बन जाए। इनके अलावा भाई स्कैम से बचना, फ्रॉड से बचना है, लोगों को फ्रॉड के बारे में जानकारी देनी है, वीडियो को आपको शेयर करना है। नोट या सिक्के बेचने वाले भाई मेरी बात सुन लेना, एग्जीबिशंस का दरवाजा खटखटा लेना, वरना नहीं बिकेगा, ठीक है। बाकी और इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आऊंगा, तब तक मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी जबरदस्त वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।